सियासत के गढ़ इंदौर में एमपीसीए की ओर से एनुअल अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया था, जहां सियासत की नई तस्वीर निकलकर सामने आई। यहां मंच से नीचे बैठे भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर जैसे ही महाराज सिंधिया की नजर पड़ी, वैसे ही सिंधिया ने मंच से उतरकर विजयवर्गीय का हाथ थामा और उन्हें मंच पर लाकर अपने पास बैठाया। एमपी में जारी सियासी हलचल के बीच इंदौर में एमपीसीए की ओर से एनुअल अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया था, जिसमें एक बार फिर महाराज सिंधिया यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच गजब का सियासी तालमेल देखने को मिला। जहां मंच से नीचे बैठे कैलाश विजयवर्गीय पर जैसे ही सिंधिया की नज़र पड़ी, वैसे ही उन्होंने मंच से नीचे उतरकर विजयवर्गीय का हाथ थामा और उन्हें मंच तक लेकर आए, जहां महाराज सिंधिया ने विजयवर्गीय को अपने साथ बैठाया। इतना ही नहीं, इस दौरान महाराज सिंधिया और विजयवर्गीय के बीच मंच पर ही लंबी चर्चा भी चली। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले, संजय जगदाले, एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और राजू चौहान समेत तमाम क्रिकेट जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की राजनीति में इससे पहले उस वक्त सियासी हलचल हुई थी जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे और यहां दोनों ही नेताओं ने पारिवारिक माहौल के बीच लंबी चर्चा की थी। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके सुपुत्र महाआर्यमान सिंधिया भी नजर आ रहे थे। वहीं अब एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बीच देखने मिली सियासी तालमेल ने सियासत में सरगर्मी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।